गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो होने वाला है हमारे राइडिंग गियर के बारे में। जब मैं राइड पे होता हूँ तो कौन से राइडिंग गियर यूज़ करता हूँ, तो ये वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट किया था मेलिन भाई ने, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं। जो गियर मैं यूज़ करता हूँ वो यहाँ पे रखे हुए हैं, तो मैं एक एक करके आपको सब कुछ बता दूंगा। जब भी हम रोड पे रहते हैं, लोकल या हाईवे पे या स्कूटर पे या बाइक पे, तो ये पहनना ज़रूरी है हेलमेट। तो ये मैं स्टड का हेलमेट यूज़ करता हूँ। ये आर ओन कुछ मैंने 2300 का हेलमेट खरीदा हुआ था, तो ये ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। नहीं देखा तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका प्रॉपर रिव्यू मैंने दिया है, रिकमेंड करूँगा, नॉट अ पेड प्रमोशन, अच्छा है इसके वजह से। समझ रहे हो। हमारे सेकेंड पॉइंट पे ग्लव्स, राइडिंग ग्लव्स। ये दो तरह के ग्लव्स है मेरे पास, एक हार्ड वाला है और एक नॉर्मल सॉफ्ट वाला है। ये बेसिकली ज़्यादा करके मैं सॉफ्ट वाला ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब धूप में होते हैं तो इसमें से एयर पास हो जाती है, और नाइट में हो तो ये पहन लेता हूँ, तो इससे थोड़ी ठंड कम लगती है। विंटर या वाटरप्रूफ ग्लव नहीं है, ये नॉर्मल ग्लव्स ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। थर्ड पॉइंट है हमारी सेफ्टी गियर्स के बारे में। ये नॉर्मल गियर से, ये ज़्यादा कुछ हाई फंडा वाले गियर नहीं है, ये बेसिकली बेसिक नॉर्मल है। इसके पहले मैं यूज़ करता था वो फुल वाले थे, तो वो सिद्धार्थ भाई के थे, अभी तो ये मेरे खुद के हैं, तो मैंने यही यूज़ करता हूँ। एंड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये लेने के लिए, क्योंकि इतने हाई क्वालिटी की नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, सेफ्टी 100% अश्योर नहीं करती आपको, लेकिन बेसिकली सेफ्टी तो ज़रूरी है, इसके वजह से मैं ये यूज़ करता हूँ जब भी मैं राइड पे होता हूँ। तो जब भी मुझे नाइट में ट्रैवल करना होता है तो एक चीज़ हमेशा मैं कैरी करता हूँ मेरे साथ, वो है रेडियम रिफ्लेक्टर। ये नॉर्मल रिफ्लेक्टर है, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे पहनते हैं वो है। ये बेसिकली मैंने हार्डवेयर से कुछ अराउंड 150 का खरीदा था, और ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा काम करता है हाईवे पे। आपके पास पीछे टेल लाइट ख़राब भी हो चुकी है रात में, आप अगर ये पहन के चलाओगे तो पीछे वाले को आपको इजीली आपको नोटिस में आ जाओगे, ये बहुत ज़्यादा काम करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैं ज़रूर लेना। मेरे पास राइडिंग जैकेट तो नहीं है जो हेयर के साथ आते हैं, तो बेसिकली मैं यही यूज़ करता हूँ। एंड मुझे कवर करना होता है तो ये जैकेट पहन लेता हूँ मैं, क्योंकि धूप में भी बहुत अच्छा काम कर लेता है ये। एंड एयर पास करने के लिए यहाँ से भी साइड में नेट से स्कीन आती है, स्पोर्ट्स स्कीन, जो कि आप अंदर पहन सकते हो अगर आपको जैकेट नहीं कंफर्टेबल हो तो। आराम कुछ स्कीन 300 रुपीज़ की आ जाती है, फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं यूज़ करता था इसके वजह से मैं आपको वो रिकमेंड करूँगा, और ये जैकेट। राइड के दिन मुझे कहीं स्टे करना होता है तो ये मेरी बैग है लॉन्ग वाली, कुछ अराउंड मैंने 500 रुपीज़ की खरीदी हुई थी लिंक रोड से। तो ये बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा काम आती है, इसमें सब कुछ रह जाता है, शूज़ वगैरह, राइडिंग गियर, जो भी एक्स वाई जेड, और बेसिकली कंफर्टेबल भी है पीछे कैरी करने के लिए, आप टाइप करने के लिए। डू पीछे के बैकग्राउंड और पीछे के बैकग्राउंड को नॉइस इग्नोर कर देना, क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और मैं बेसिकली टेरेस पे हूँ, किसी को बोल नहीं सकता, स्टूडियो तो नहीं है। ओके, जो भी मैंने वीडियो में बताया वो मेरा बेसिकली पर्सनल यूज़ वाला है। ये जो है वो नॉर्मल क्वालिटी का, इससे हाई क्वालिटी का भी आते हैं और वो खरीद सकते हो आप। तो वीडियो यहाँ तक देख लिए तो ज़रूर लाइक करना और ज़रूर कमेंट करना वीडियो कैसे था। एंड जाते जाते आने वाले वीडियो में कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे नोटिस करने वाला हूँ मैं। क्या ऑन रोड्स, बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।